Hello everyone, welcome back to the channel. I hope everyone is fine. So today's topic is on core subjects. In this topic we are going to discuss all the channels on YouTube that I preferred for my GATE preparations. So सबसे पहले तो यार एक बात मैं बता देता हूँ, मैं पहले कोर सब्जेक्ट नहीं लेने वाला था, मैं बेसिक वाले लेने वाला था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कमेंट आई है कि कोर सब्जेक्ट के ऊपर पहले वीडियो बना दो सर, क्योंकि अर्जेंट है, अभी बच्चों का पीक टाइम चल रहा है, काफ़ी गेट मतलब आ ही गया वापस दोबारा एक तरह से, तो मैं इसलिए पहले कोर का बना रहा हूँ, बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट्स थे उनका लास्ट वीडियो में अपन डील कर लेंगे, ठीक है। तो कोर में तुमको पता है मैं चार सब्जेक्ट गिनता हूँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, मशीन्स एंड मेजरमेंट। ओके, सो मेजरमेंट इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता, क्योंकि ये तीन सब्जेक्ट ही जो कोर थे अपने में वही काफ़ी ज़्यादा वो ले लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और यार, सॉरी, थोड़ा वीडियो आने में टाइम लग जाता है, मेरे को काफ़ी टाइम लग जाता है इन वीडियोज़ को बनाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को लिखना पड़ता है, मेरे को है ना एक साथ, मैं ऐसे डायरेक्ट ये वाले जो वीडियोस हैं इनको डायरेक्ट बैठ के बना तो नहीं सकता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिस हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता उन चीज़ें मिक्स हो, इसलिए मेरे को लिखना पड़ता है एक कॉपी में कि मेरे को क्या क्या तुम लोगों को बताना है, बेसिकली स्क्रिप्ट टाइप का, तो वही उसी में सारा टाइम लगता है, तीन चार घंटे उसमें लग जाते हैं, फिर उसी वीडियो को तीन चार घंटे एडिट करने में लग जाते हैं। जो नॉर्मल वीडियोज़ होते हैं जैसे मैं वो लेक्चर वाले डालता हूँ तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता है, आधा घंटा लगता है मैक्स टू मैक्स एक उसमें, तो प्लीज़ थोड़ा सा है ना बेयर करो, अभी स्टार्टिंग में है तो तीन चार प्रैक्टिस नहीं है मुझे, ठीक है, तो टाइम भी निकालना पड़ता है, थोड़ा काम भी चल रहा है अभी घर पे। चलो तो चालू करते हैं। तो सबसे पहले कोर पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी बेसिक बातें बताना चाह रहा हूँ कि कोर इज़ समथिंग डिफरेंट, कि तुम यूट्यूब पे इतना आसानी से नहीं पढ़ पाओगे इसको, क्योंकि थोड़े डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, इनको थोड़े बड़े होते हैं और काफ़ी सारी डेप्थ चाहिए होती है। प्रॉपरली पढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, मतलब सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हाँ प्रॉपरली पढ़ने का मेन तरीका क्या है कि इसमें तुम, मैं प्रीफर करूँगा, मैं तुमको सजेस्ट करूँगा कि तुम दो चैनल से हमेशा, अगर तुमको स्पेसिफिकली यूट्यूब से पढ़ना है तो इसको पूरा मतलब, जैसे अगर तुमको बेसिकली पूरा पहले से कुछ आइडिया नहीं है और तुमको पहले से कुछ आइडिया है तो तुमको सिर्फ एक चैनल को प्रेफर करना, कोई सा भी जो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हाँ अगर तुम बिल्कुल फ्रेशली पढ़ रहे हो, बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हो, क्योंकि यूट्यूब पर इतना अच्छा किसी का भी, ओवरऑल मैं बोलूँ तो किसी का भी इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, एनपीटेल को छोड़ के, एनपीटेल तो अलग ही गॉड लेवल का है, तो बाद में बात करते हैं उसके, अपन पूरा सब कुछ है, आज सब कुछ बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, कोर मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ा और मैंने कहाँ कहाँ से नहीं पढ़ा वो भी मैं बता दूंगा। सबसे पहले तो कि तुमको दो चैनल, एटलीस्ट दो चैनल तुमको रखने हैं साथ में, क्योंकि हर एक चैनल पे कुछ भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, यूट्यूब पे एटलीस्ट, ठीक है, तो तुमको कोर के रखना है, और उसके बाद जितनी थ्योरी तुम कर सकते हो, जितनी थ्योरी तुम प्रिपेयर कर सकते हो इसमें उतनी थ्योरी तुमको करनी है, ठीक है, क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, लेकिन तुमको बिल्कुल ऐसे रिग्रस रगड़ के थ्योरी इसमें निकाल डालनी है। मेन दिक्कत क्या होगी, यूट्यूब्स पे तुम कोर पढ़ोगे, यूट्यूब पे कोर पढ़ोगे तो डायरेक्टली सबने गेट के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रखा है, इतनी डिटेल्स अभी तक तो नहीं है, अभी जो नए नए वीडियोज़ आ रहे हैं वो मैंने इतनी डिटेल में नहीं देखे, तो उनका मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ मैं पुराना जितना भी बता रहा हूँ कि जितना कंटेंट था वो डायरेक्टली न्यूमेरिकल बेस्ड होता है ज़्यादातर, ठीक है ना, तो मतलब न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है ताकि तुम गेट एग्जाम में अटैम्प्ट कर सको, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोर को तुम गेट के लिए सीमित ऐसे गेट मान के नहीं पढ़ना, नहीं तो तुम्हारा कोर स्ट्रॉन्ग कभी नहीं होएगा, ठीक है, मेरा तो नहीं हुआ था एटलीस्ट, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया था तो मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल, वही था ना, न्यूमेरिकल, तब भी अब कोर स्ट्रॉन्ग होने के मेरे दो तीन भी कारण है, क्योंकि मैं इस कॉलेज से भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा था तो मेरे को ठीक ठाक समझ में आ जाता था, लेकिन हाँ अगर तुम डायरेक्टली क्रैश कोर्स देखने या यूट्यूब पर नॉर्मल प्लेलिस्ट देखने बैठे हो तो इतना मज़ा नहीं आएगा, क्लियर है। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं, ओवरऑल पहले ओवरव्यू दे रहा हूँ सब चीज़ का, तो तुमको चाहिए होगी एक स्टैंडर्ड बुक, ठीक है, तो हर सब्जेक्ट में मैं स्टैंडर्ड बुक बताऊंगा। अब तुमको स्टैंडर्ड बुक पूरी नहीं पढ़नी है, ठीक है, तुमको सिर्फ स्टैंडर्ड बुक रेफरेंस के लिए रखनी है, अगर तुमको पूरी पढ़ने बैठोगे तो तुमको अच्छा खासा, बहुत अच्छा खासा टाइम चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ नॉर्मल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को भी स्टैंडर्ड बुक इतनी रगड़ के नहीं पढ़नी चाहिए, बस थोड़ा बहुत आइडिया लेने के लिए, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी सारा आइडिया लेंगे, लेकिन जब जो तुमको टॉपिक में दिक्कत आ रही है या तुमको कॉपी में थ्योरी बनानी है कि तुमको अच्छी थ्योरी नहीं मिली लिखने के लिए, तुमको मन कर रहा थ्योरी लिखने का, तो तुम स्टैंडर्ड बुक खोलो, या तुमको डेरिवेशंस देखनी किसी चीज की कि आया कहां से है इसके बारे में, ठीक है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड बुक से न्यूमेरिकल नहीं लगाने हैं। किसी का भी तुम वीडियो देख लेना, कोई से भी टॉपर का या किसी भी फैकल्टी का, तो वो तुमको यही कहेंगे कि तुमको बुक के पीछे क्वेश्चन नहीं लगाने, और ये मैं बात बिल्कुल अग्री करता हूं कि तुमको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लगाने हैं। उसके बाद तुम एग्जांपल्स लगा सकते हो, एग्जाम्पल्स तुम लगा सकते हो कि तुमको बस वो जो टॉपिक तुमने पढ़ा उससे थोड़ा तुमसे रिलेट हो जाए, सॉल्व एग्जाम्पल सारे नहीं लगाने, वही जो तुमको जरूरत है वही लगाना है, घूम फिर के वही चीज़ें तुमको मिलेगी, कोई मतलब नहीं है सारे। अब तुम, मैं इनको मना क्यों करता हूँ क्योंकि तुम इनकी जगह गेट के क्वेश्चन लगाओ, गेट के क्वेश्चन यहीं से कहीं ना कहीं से निकल के आए हैं, सारे फैकल्टीज जो होती है IITs बनाती है गेट, और IITs इन बुक आज मैक्सिमम फैकल्टी जो भी इन बुक्स को लिखा है, मैक्सिमम ऑथर जिन्होंने इस बुक को लिखा है वो सारे IITians हैं, तो सारी की सारी IIT इन्हीं स्टैंडर्ड बुक्स को कहीं ना कहीं रेफर करती है पेपर बनाने के लिए, तो तुम गेट के क्वेश्चंस लगाओ ना कि इसके क्वेश्चन लगाओ, क्लियर है मेरी बात। सेकंड पॉइंट है,
कि गेट के क्वेश्चन कम से कम तुम, मैं मानता हूँ कि कम से कम तुमको दो या तीन बार तो लगाने ही चाहिए, कम से कम, और ज़्यादा जितने लगाओ। और ऐसा नहीं है कि तुम बोलो यार क्या बोल दिया, इतने सारे क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर के मिला लो तो 100 से ऊपर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। तुमको जो तीन बार मैं जब ये बोलता हूँ कि एक बार तुमने प्रॉपरली बिल्कुल जीरो से लगाए हैं, दूसरी बार तुम जो तुमको फर्स्ट टाइम में नहीं आए थे या तुमको स्टार मार्क करे तुमने वो, तीसरे टाइम में भी वही, तो ऐसे तुमको चलाना है। और इसके क्वेश्चन लगाने कैसे हैं, बिल्कुल डिटेल में, जैसे थ्योरी सॉल्व करते हो ना तुम, बिल्कुल डेरिवेशन से। तुमको पता है तुमको कि भाई एक क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आने वाला है, लॉसेस वॉसेस पूछे, तब भी तुम बेसिक थ्योरी उसकी जरूर लिखने की कोशिश किया करो, इससे तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे और वो जो तुमने थ्योरी है वो बार बार तुम्हारी एज रिवाइज होती रहेगी। जैसे ट्रांसफॉर्मर है, तो ट्रांसफॉर्मर का कोई भी क्वेश्चन आया, शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट, ऐसे तो मैं कभी शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट ऐसे नहीं जंप कर गया सीधे सर्किट पर आने लग गया, ठीक है, मैं पहले उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं, बिल्कुल एग्जैक्ट जो होता है उसका एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट, फिर उसमें रेफर करके लेके आता हूं ताकि मुझे पता पड़ता रहे कि ये चीज रेफर होकर यहाँ आई है। फिर उसमें मैं अज्यूम करता हूँ कि प्राइमरी साइड को अपन शंट ब्रांच के आगे ले चुके हैं, तो शंट ब्रांच और सेकेंडरी ब्रांच को एक साथ ले लेते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटेड इक्विवेलेंट सर्किट बनते हैं। फिर उसमें ब्रांचेस नेग्लेक्ट होती हैं, तो ऐसी हर चीज़ में मशीन्स के अंदर भी यही करता हूँ मैं, जो रोटेटिंग मशीन्स होती हैं तो उनमें भी तुमको ऐसे ही करना है, बिल्कुल जीरो से बेसिक से प्रॉपर्टी फॉलो किया करो और आगे बढ़ा करो। पता है मुझे आंसर जल्दी आ जाते हैं, लेकिन आंसर के पीछे नहीं भागना है, फाइनल आंसर वही मैटर करेगा जो तुम्हारा गेट में आने वाला है, ठीक है। मुझे पता है ये चीज़ डिफिकल्ट होने वाली है, काफ़ी कोर पढ़ना एटलीस्ट यूट्यूब से तो अभी तक इतना आसान नहीं है, मैंने पढ़ा है मुझे पता है, लेकिन हाँ तुम कर सकते हो अगर तुम्हें जुनून है तो, बिल्कुल मतलब स्ट्रांग विल पावर रखो और आलस नहीं करना है मेन। तुमको एक टॉपिक एक जगह से नहीं आया तो ऐसा नहीं उस टॉपिक को ऐसा ही कचरा पट्टा लिख के आगे बढ़ गए, तुमको जितनी जगह से उस टॉपिक को देख सको देखना और एक प्रॉपर साफ सुथरे नोट्स बनाना, बनेंगे तुम्हारे और बहुत शानदार नोट्स बनेंगे। कोचिंग मैं तो मानता हूँ कि कोचिंग में कोर कोई ढंग से पढ़ा ही नहीं सकता, मैं बड़ी बड़ी कोचिंग्स में नहीं गया हूँ, एकेडमी में डीजी में, लेकिन मुझे पता है कि कोचिंग्स में इतना अच्छा कोर नहीं होता है, मेरे दोस्त जाके आ चुके हैं वापस घूम फिर के। तुमको थोड़ा कॉलेज का सपोर्ट रहेगा हल्का सा, कि कॉलेज में ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल तुम्हारे फैकल्टी बिल्कुल ही बेकार है जो तुम्हें कुछ ना बताए, तो थोड़ा सा कॉलेज का आइडिया लेते चलना स्टार्टिंग से, जो अभी कॉलेज में है कॉलेज ऑनगोइंग स्टूडेंट और जो ड्रॉप कर रहे हैं वो डेफिनेटली उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। मुझे पता है डिफिकल्ट है, लेकिन हौसले बुलंद रखना, बिल्कुल तुम डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब तुम खत्म हो जाओगे ना, मतलब जब तुम्हारा ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाएगी, तो तुमको कम से कम 10 से 15 चीज़ें हर टॉपिक में एक्स्ट्रा पता होंगी जो कि कोचिंग वाले नहीं बताते हैं। मेरे जितने भी दोस्त हैं वो मतलब कि जो भी मेरे से डाउट पूछता है तो वो पूछते हैं मेरे को इतनी सारी चीज़ें क्यों पता है, क्योंकि मैंने पेन लिया है कोर के अंदर, एटलीस्ट बता रहा हूँ मैं, मैंने बहुत जगह से पढ़ाई करी है, जगह जगह से तरह तरह, तो जब भी मैं जगह जगह से पढ़ाई करता हूँ कुछ ना कुछ एक ना एक चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है। अब वो एक्स्ट्रा चीज़ को देखने के लिए और ढूंढता हूँ, फिर उस ऐसे जुड़ते जुड़ते पूरा एक वेब बन जाता है कि ये चीज़ इसमें कैसे रिलेट हो रही है। अभी भी मेरा कोर इतना स्ट्रांग नहीं है, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल, मतलब 10% 5% होगा जो IIT लेवल्स के होते हैं तब भी, हाँ इतना तो है कि गेट से बढ़कर मुझे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आता है, तो ऐसे होता है। इसलिए तो कभी कोई नॉन ट्रिवियल क्वेश्चन आया था, कोई दूसरा एग्जाम में बैठता हूँ या दूसरे एग्जाम के क्वेश्चन लगाता हूँ मैं, तो मेरे को आसानी से ठीक ठाक लेवल पे हो जाते हैं। तो यूट्यूब का सबसे बड़ा ये फायदा है, प्लीज़ अगर तुम आखिरी तक पहुँच गए ना तो तुम बाकी दुनिया से बहुत 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 आगे हो, बस हार मत मानना। मैं तो कह रहा हूँ तुम कोचिंग मैंने बताया था कि मैंने सिर्फ कोचिंग एक ही चीज़ के लिए बताऊंगा मैं आगे भी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मुझे क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल समझ नहीं आती थी, मेरे को फियर था उसका। लेकिन तुमको अगर डर नहीं है किसी भी चीज़ का, तुम बिल्कुल अगर स्ट्रांग विल पावर है तुम्हारी, तो तुम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी यूट्यूब से पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो चालू करते हैं आज का वीडियो। सो सबसे पहले हर सब्जेक्ट को चालू करने से पहले हमेशा अंकित गोयल सर का क्रेटेक्स के ऊपर, क्रेटेक्स अकेडमी के चैनल पे अंकित गोयल सर का हाउ टू प्रिपेयर वाला वीडियो हमेशा देखना है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। एटलीस्ट कोर में तो देखना ही है, बहुत 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 अच्छा फ्रेमवर्क तैयार होगा, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर, तुमको सीक्वेंस पता पड़ेगा हमेशा। सर की कोई से भी वीडियो पे जाके देखोगे कि हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू गेट रैंक, तो उनको उनके हर वीडियो में तुमको यही चीज़ मिलेगी कि एज तुमको हर चीज़ का सीक्वेंस दिमाग में तैयार रखना है पढ़ने से पहले। स्पेशली सेल्फ प्रिपेयरिंग लोगों को तो करना ही है, नहीं तो वो अटरम शटरम चीज़ें पढ़ डालेंगे और टाइम वेस्ट करेंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो तुमको हमेशा अंकित गोयल सर का जाके वीडियो देखना है हाउ टू प्रिपेयर, हर सब्जेक्ट का उनने एक पर्टिकुलर वीडियो डाल रखा है, फ्रेमवर्क कह लो, इंडेक्सिंग कह लो, आउटलाइन कह लो, सीक्वेंस कह लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो ये जरूर जाके उनका वीडियो हमेशा हमेशा देखना। उसके बाद ये तो हुआ ओवरऑल बात, सब्जेक्ट पर भी धीरा हूँगा, लेकिन हाँ सेकंड चीज़, कोर को पढ़ते टाइम आपकी प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करनी है कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, वो दो ही चीज़ें हैं, गेट के क्वेश्चंस और
तुम्हारे टेस्ट सीरीज कभी भी। इसके अलावा मेरे को, मेरे हिसाब से तो तुमको बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं ना कि गेट बहुत बड़ा सिलेबस है, टाइम नहीं मिलता है, खत्म हो जाता है कोर्स, मतलब कोर्स खत्म ही नहीं होता। वो इसीलिए नहीं होता कि पावर बैंक क्या बोलते हैं क्वेश्चन बैंक लगाने में बैठे रहते हैं अपन। डिफरेंट डिफरेंट तरह के अलग अलग एग्जाम बैठे बैठे क्वेश्चन लगाए जाएंगे। एक ही एक रिपीटेटिव क्वेश्चन ओपन सर्किट सेट शॉर्ट सर्किट टेस्ट के, ट्रांसफॉर्मर क्वेश्चन लगा रहे हैं, ZPFC के क्वेश्चन लगा रहे हैं, ऐसे बैठे बैठे क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं। क्या मतलब यार, एक क्वेश्चन बहुत होता है तुमको कंसेप्ट सिखाने के लिए। मैक्स टू मैक्स कोई मिसलेनियस क्वेश्चन आ गया वो अलग है, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत होता है तुमको कंसेप्ट सिखाने के लिए, उसमें सीखो ना। गेट में तो हर टॉपिक पे कम से कम पांच छह क्वेश्चन आए हैं एटलीस्ट, कोर की बात करूं तुम्हें तो एक क्वेश्चन नहीं, हर टॉपिक में पांच पांच क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। बस ये है कि वो टॉपिक तुमको ऐसे एक साथ नहीं मिलेंगे कि तुमने एक टॉपिक पढ़ा और वो क्वेश्चन लगाए, तुमको पांचों क्वेश्चन मिल जाएंगे। अलग अलग जगह जगह बिखरे हुए हैं वो, क्योंकि अपने पास जो पेपर होता है वो ईयर वाइज होता है, तो यहाँ पे तुमको आखिरी में पता पड़ेगा कि ये टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन है, तो तुम गेट के लगाओ। और बढ़िया है ना, शफल्ड है क्वेश्चन, तुमको बार बार दिक्कत नहीं, मतलब कि बार बार ऐसे वो नहीं हो रहे हो कि तुमको पता पड़ने लगे कि पांच टॉपिक। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, क्वेश्चन बैंक की ओवर डी मेरे बताऊँ, मैं कभी क्वेश्चन बैंक नहीं लगा था, पांच क्वेश्चन एक ही जगह के। अगर मैं अपन मॉड्यूल्स लगाते हैं, जैसे मैंने मेडीजी की मॉड्यूल थोड़ी बहुत लगाई है, तो उसमें एक टॉपिक पे ओपन सर्किट साथ शॉर्ट सर्किट टेस्ट का क्वेश्चन उसे इसी जगह पड़े रहते हैं ठुस के। अब तुमको पता है एक क्वेश्चन तुमने लगा लिया, अब तुमको दूसरा अगला क्वेश्चन पता है कि तुम्हें SSC OCC से आने वाला, तुम्हारे माइंड उसके लिए प्रिपेयर है, तुमको वो टॉपिक याद भी नहीं होगा तभी तुम क्वेश्चन लगा जाओगे, तुम क्लिक कर जाएंगे क्वेश्चन अपने आप ही। तो इसलिए मैं नेसेसरी नहीं मानता हूँ, हमेशा क्या काम आएंगे, गेट के क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज। तो प्लीज़ गेट के क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज तक ही कंपाइल रहना, तुमको क्वेश्चन बैंक की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ और सिर्फ गेट के क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के लिए मोर देन सफिशिएंट है। और बाकी जो कॉमन सब्जेक्ट में उनको तुमको प्रैक्टिस चाहिए तो दूसरी ब्रांच की गेट के क्वेश्चन उठाओ। पतली पतली बुक्स आती हैं, इतनी मोटी महंगी महंगी बुक लोगे, स्टैंडर्ड बुक्स लोगे 700-800 रुपए की, क्या मतलब है ऐसा। जब पतली पतली बुक्स आती हैं, तीन बुक्स हैं मेरे पास, मैंने भी मंगा रखी थी लेकिन मैंने कर नहीं पाया, जो EIC और ECE की थी, और मुझे जरूरत भी नहीं, मेरे को जरूरत भी महसूस नहीं हुई, मैंने बस इसलिए मंगाई थी कि कोई टॉपिक मेरा वीक होगा तो मैं उसमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस करूंगा, वो भी सिर्फ बोल रहा हूँ गेट के। गेट के क्वेश्चन लगाओगे ना तुमको पैटर्न पता पड़ेगा यार कि ये तो इससे बाहर जा ही नहीं रहे, घूम फिर के यही क्वेश्चन आ रहा है, तो तुम्हारा माइंड उसी टॉपिक, भले तुमको पढ़ना सारा है लेकिन तुम्हारा माइंड जो है ना उसी टॉपिक के लिए ट्रेन उतराएगा जो बार बार गेट में क्वेश्चंस आते हैं रिद्म में। और गेट कभी भी नए क्वेश्चंस नहीं देता है, बार बार ये बच्चों का डर लगने लगा है कि गेट का पेपर बिल्कुल अलग ही आ रहा है, अलग ही उसका, ऐसा नहीं है। इस बार भी गेट का पेपर बिल्कुल वैसा ही आया था, क्वेश्चंस गलत है तो उसमें अपन क्या करें, गेट का पेपर बिल्कुल मेरे हिसाब से तो इस बार गेट का पेपर नॉर्मल लेवल का आया है, बिल्कुल हर साल जितना आता है। तो ये तो ही गेट के क्वेश्चंस की बात। और अब इसमें ही तुमको ध्यान रखना है कि तुमको जब भी गेट के क्वेश्चन लगाओ एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। फिर बोल रहा हूँ, इग्नोरेंस तुम्हारा किसी भी टॉपिक का, तुमने एक क्वेश्चन को छोड़ दिया, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा आने वाले टाइम में। अगर तुमने कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर करके उसको चला ठीक है एक क्वेश्चन ही तो है, तुमने 60 क्वेश्चन लगा लिए, 59 क्वेश्चन तो लगा लिए, एक क्वेश्चन ही तो बचा जो मैंने नहीं लगाया, यही तुमको सब टाइम में दिक्कत देगा। मेरे पर्सनली मेरे साथ तो यही हुआ था फर्स्ट टाइम के अंदर, या जब मैं एडवांस दे रहा था उस टाइम की बात भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एडवांस के अंदर मेरे दो ही डिमेरिट थे, मेरे पास अच्छे दोस्त नहीं थे एक तो, ठीक है, बिल्कुल कॉम्पिटेटिव वाले दोस्त थे, कॉम्पिटिशन में लगे रहते थे, और दूसरी चीज़ मैं क्वेश्चंस को इग्नोर कर देता था। जो क्वेश्चन तुमको इग्नोर करें वही तो तुमको पढ़ने हैं, जो तुमको आ गए वो तो तुमको वैसे भी आ जाते हैं यार, ये बात पे तुमको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है इसलिए तुमको आ गया, वो तुमको बाद में भी आ जाते हैं। जो तुमको क्वेश्चन नहीं आया तुमको उसमें पेन लेना है। फिर बता रहा हूँ, इग्नोरेंस इज योर बिगेस्ट एनिमी, तुम्हारी सारी प्रिपरेशन पे ये पानी ढोलेगा। कैसे, सुनो मेरी बात। मान लो तुमने 60 क्वेश्चंस लगा लिए, तुमने बहुत मन लगा के तुमने एक महीना पावर सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है, तुमने 60 क्वेश्चंस थे उसमें से तुमने 59 लगा लिए, अब तुमने एक ऐसी छोड़ दिया गोला बना के, हाँ ठीक है इसको बाद में देखेंगे, तुम उस क्वेश्चन को लगा छोड़ा के भूल गए। अब आया टाइम दिसंबर का या नवंबर का, तुमने या तो मान लो दोबारा वो बुक खोल ली, अब तुमको वो गोला वाला क्वेश्चन याद ही नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन रह कैसे गया, तुम तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में थे, अपन को कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये भी छोड़ो, तुमने बुक खोली तो तुमने डेरिबिलिटली खोली होगी कि हाँ मेरे को सारे क्वेश्चन लगाने, तुमको इतनी दिक्कत नहीं आई। मान लो तुम्हारे किसी दोस्त ने पूछ लिया, यार तेरी भी तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो रखी है, चल मेरे को डाउट बता, और वही डाउट तुम्हारे क्वेश्चन में ऐसा हो रखा है, तुम्हारा पूरा कॉन्फिडेंस गड्ढे में गिर जाएगा, उठ ही नहीं पाओगे उस गड्ढे से लास्ट के दिसंबर टाइम में। तुम बोलोगे यार अब तो पावर सिस्टम वापस पढ़नी है, ये जो भी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है तुमको पूरा वापस पढ़ना पड़ेगा, और तुम पूरा उसको वापस पढ़ने बैठ जाओगे और तुम्हारा पूरा सारा टाइम खराब हो जाएगा। सेकंड चीज, वही सेम प्रोफाइल का क्वेश्चन टेस्ट में आया, टेस्ट में तुमसे नहीं हुआ, तुमको याद भी नहीं था वो क्वेश्चन, तुम उस टाइम तो पूछ रहे हो, बाद में तुम जब उस टेस्ट के क्वेश्चन रिसर्च करोगे तुमको पता पड़ेगा तो गेट का क्वेश्चन था या तो गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, और तुम्हारी कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी सारी की सारी बैंड बच जाएगी। तुम बोलोगे यार मैं तो गेट देने जा रहा हूँ, नवंबर का टाइम दिसंबर का टाइम है, और मेरा ये क्वेश्चन गेट की बुक में था, गेट का क्वेश्चन था, मैंने पूरे साल इस कॉन्फिडेंस में रहूँगी, मैंने सब कुछ मेरा पूरा पावर सिस्टम कर लिया और मेरे को क्वेश्चन आया नहीं, समझ रहे हो मेरी बात। तो प्लीज़ किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर मत करना, सबकॉन्शियसली मान लो फ्यूचर में वो तुम्हारे सामने कभी क्वेश्चन आ गया, तुम्हारा पूरा सब्जेक्ट खराब कर देगा, वो पूरा कॉन्फिडेंस मिट्टी में मिल जाएगा तुम्हारा,
तो कभी भी किसी टॉपिक को इग्नोर मत करना, और जब उस टॉपिक पे तुम सर्च करोगे ना उसको ढूंढोगे पेन लेके दर्द लेके। हर लेक्चर में बोलता हूँ यार मैं, हर वीडियो में बोलता हूँ ये, उस टॉपिक को ढूंढो पेन लेके जितना। किसी से पूछना नहीं है अपन को उस टॉपिक को ढूंढना है, उसके बारे में सारी थ्योरी पढ़ डालनी है, अगर थ्योरी बिल्कुल नहीं है तो उसको कॉपी में लिख देनी है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, फिर जाके तुमको वो टॉपिक जो याद रहने वाला है ना यही तुमको मार्क्स दिलाएगा, यही तुमको रैंक दिलाएगा। रैंक वैंक मैटर नहीं करती है। तब भी मैं लोग कोई मुझसे सीक्रेट पूछते हैं कि हाँ भाई रैंक कैसा आई, तो मैं बैठ के सोचता हूँ यार मैंने क्या अलग किया है, तो मैंने ये अलग किया, मैंने पेन लिया है उस टॉपिक में जो मुझे नहीं आता था। वन मोर थिंग, हमेशा एक बुक को ट्रस्ट रखना। कोई भी तुम स्टैंडर्ड बुक ले रहे हो, कोई भी बुक स्टैंडर्ड बुक या कोई भी मटेरियल कभी परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्ट होता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा ट्रस्ट उस पर। कुछ भी उठा लो दुनिया में यार, कितने से स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड किताब लिया, उसमें गलतियाँ मिलेगी तुम्हें, उसमें कंसेप्ट, वो कोई भगवान थोड़ी है जो बिल्कुल बिल्कुल ए टू जेड उन्हें सही कर रखा होगा। बिल्कुल माना मैंने, बहुत रेस्पेक्ट है, लेकिन गलतियाँ मिलेगी, लेकिन तुमको उस पर बुक पर अंधा विश्वास रखना है। क्लियर? ऐसा नहीं, अंधविश्वास का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन गलत है तो उसको ही समझ के, अंधविश्वास मतलब कि तुमको ट्रस्ट रखना है, तुमको ऐसा भटकना नहीं है कि मैं चलो एम एस रशीद भी खरीद लेता हूँ, मैं पीएस मुमरा भी पढ़ लेता हूँ, मैं ये दोनों टॉपिक्स में दोनों किताबें खरीद के पढ़ूंगा। हमेशा जितनी किताबें चाहिए उतनी किताबें तुम्हारे पास तुमको रखनी है। मेरे पास एक्स्ट्रा किताब रहती है, जैसे हमने मेडीजी का मैंने और सौरभ ने मिलकर कोर्स मंगाया था, ठीक है, तो अब उसके पास में ईएस की किताबें भी आई थी, मैं मेरे पास रखता ही नहीं था, मैं सौरभ के रूम पे ही रखता था, मैंने मेरे पास रख ही गया, तो मैं इसको पढ़ने का मेरे को टेम्पटेशन होगी, बोले यार इसमें से भी पढ़ते हैं, हर किताब में तुमको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, लेकिन तुम बाद में जब उसको पढ़ने बैठोगे ना तुमको पता पड़ेगा ये तो वही चीज़ें घूम फिर भी। तो तुमको अपने जो नोट्स हैं, अपने जो बुक्स हैं, उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट रखना है, उस पर इतना कॉन्फिडेंस रखना कि हिला नहीं सके उसके। और ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब तुम उन क्वेश्चन उस नोट्स को बिल्कुल अच्छी तरह से बनाओगे, बिल्कुल तुम्हारी जी जान लगा के बनाओगे कि इसमें तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, मैंने सब जगह से रिसर्च करके नोट्स बनाए। गेटिंग माई पॉइंट? नोट्स पर डिस्ट्रस्ट आए, हमेशा बोलना उसको, उस नोट्स को बनाते टाइम तुमने बहुत सारा पेन, बहुत सारा हार्डवर्क, बहुत सारा रिसर्च किया है, तुम्हारे वो नोट्स गलत हो ही नहीं सकते, कोई तुम पे सवाल उठाए या कुछ भी करे, बस उन नोट्स में चीज़ें खत्म हो सकती है, कम हो सकती है, तुमने गलती से कभी गलत लिख लियो, गलत सोर्स से लिख लियो, लेकिन तुमको नोट्स पर ट्रस्ट रखना है। मैं ओवरऑल घुल मिला के बातें यही हैं कि तुमको भटकना नहीं है किसी की बातों में आके। एक दिन तुमको तुम्हारा दोस्त फोन करेगा कि मैं तो ये वाला सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, तुम कुछ और पढ़ रहे हो, कि जैसे तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट है, वो तुम्हारा दोस्त बोलेगा मैं तो मशीन पढ़ रहा हूँ, तो तुमको मशीन का कोई नया ऐसा डिफरेंट टॉपिक बता देगा या डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लेगा। मेरा है एक दोस्त, मुझे पता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं पर इधर उधर भटकना नहीं है, खुद के नोट्स पर ट्रस्ट रखना है, और जब भी कुछ ऐसी दिक्कत आए तो हमेशा खुद पर दिल पात रख के बोलना कि ये मैंने नोट्स मैंने लिखे हैं, मैंने पेन लिया है इनमें, मेरे इसके बाहर कुछ नहीं आएगा गेट में, आएगा तो वो मेरा बैड लक होगा, किसी की बातों में नहीं आएंगे, और ऑल इज़ वेल, अपन जो गुड़ रहे हैं सो फार सो गुड। तो प्लीज़, सबसे बड़ा इन सब में एक ही चीज़ मैटर करती है, तुम्हारे खुद के ऊपर ट्रस्ट, ठीक है, नोट्स पे ट्रस्ट प्लीज़ रखना जरूर। जितनी भी तुमको, अगर मान लो तुम फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हो, स्टैंडर्ड बुक अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो प्लीज़ टेलीग्राम इंस्टॉल करो फ़ोन में, टेलीग्राम पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गेट ऐसे हैशटैग तुम्हारे कीवर्ड्स डालना, तुम अच्छे अच्छे चैनल मिलेंगे उनको फॉलो करना, जैसे ही किसी चैनल पे जाओगे उसको ज्वाइन करना, और उसमें ऊपर सर्च का बटन आता है, उसमें तुमको जो भी बुक चाहिए उसका एग्जैक्ट नेम डालना, ठीक है, जैसे डी पी कोठारी तो DP ऐसे करके, तो डी पी कोठारी नाम डाल के उसमें सर्च करना, तो वो तुमको बुक वहाँ पे सारी की सारी बुकें मिल जाएगी, जितनी भी मैं बुक बताने अभी तक वाला, और जो भी तुमको फॉरेन ऑथर की, इंडियन ऑथर की, चाइनीज ऑथर की, जिसकी बुक चाहिए, चाइनीज नहीं लेना, ठीक है, चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो, ठीक है, जिस भी ऑथर की तुमको बुक चाहिए वो बुक तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और स्पेशली मेड इजी के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, और भी बहुत सारी पायरेटेड चीजें हैं जो तुमको मिल जाएंगी वहां पे, तो प्लीज चैनल्स को फॉलो करो, वहां पे UPSC तुम्हारा IES VS सब मिल जाएगा तुम्हें वहां पे, तो टेलीग्राम डाउनलोड करो जिसके पास नहीं है। तो बस इतना ही था, अब चालू करते हैं, मैं सबसे पहले पावर सिस्टम पाते हैं। सो पावर सिस्टम में सबसे पहले बुक्स का नाम बताता हूं मैं, तो बुक्स में दो बुक्स मेरे पास हैं, मेरे पास स्टैंडर्ड बुक्स बहुत कम है, लेकिन मैंने कॉलेज टाइम में खरीदी थी क्योंकि मुझे उस टाइम जरूरत पड़ती थी, क्योंकि फैकल्टीज उस टाइम मेरे को हमारे फैकल्टीज ने हमको लड़ लड़ के बुक मंगाई थी, तो मैं स्टैंडर्ड बुक लेता नहीं था बिल्कुल भी, तब भी स्टैंडर्ड बुक अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम में कैपेबिलिटी है, देखो सब अलग अलग होते हैं तो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। CL वाधवा पहली बुक, ठीक है, बिल्कुल मस्त सी रंगीन सी किताब आती है, बिल्कुल चिकनी, तो वो तुम्हारे काम हो जाएगी, और दूसरी है स्टीवनसन, ठीक है, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। CL वाधवा इज़ ऑल ओवर गुड अपने लिए, उसमें बिल्कुल हर टॉपिक का छोटा छोटा हिंट दे रखा है, मतलब इतनी डिटेल में नहीं है, बेसिकली इतनी थ्योरेटिकली ज़्यादा है, इतनी कैलकुलेटिव नहीं है वो बुक, तो तुमको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट मैं तुम्हें CL वाधवा बोलता हूँ, और बाकी थोड़ी सी CL वाधवा में दो तीन टॉपिक्स मिस हैं, जैसे तुम्हारी सिंक्रोनस मशीन की मॉडलिंग, सारी मशीन्स की मॉडलिंग वगैरह, और तुम्हारा बाकी तो है, बाकी तो तुम्हारे गॉस सीडल मेथड तो मिल जाएंगे, मैंने बस टॉपिक्स देखे हैं छोटे छोटे, मेरे को जो जरूरत पड़ती थी वो देखता था, पूरी बुक नहीं पढ़ी है, क्वेश्चंस भी नहीं लगाने हैं ऐसी, तो छोटे छोटे टॉपिक जो मिसिंग है तो वो तुम्हें स्टीवनसन में मिल जाएंगे, तो तुम बुक चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कि इन दोनों बुक्स में
तुम कुछ भी लो, तुम इनकी पीडीएफ डाउनलोड करो, जो बुक लेनी हो बताऊंगा मैं, तुम अभी हाल फिलहाल इनकी पीडीएफ डाउनलोड करो। अगर तुमको बाद में अगर पीडीएफ से तुम कंफर्टेबल हो, तुमको मन कर रहा है कि इस बुक को तो मेरे को अच्छे से पढ़ना है, तो तुम जाके इसकी फिर खरीद लेना, इसको परचेस कर लेना। पीडीएफ तुमको कहां पे मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल पे। अब चालू करते हैं कि यूट्यूब से इन्हें कहां पढ़े अपन। तो यूट्यूब से अपन कहां पढ़ सकते हैं? सबसे पहला जो पावर सिस्टम के सबसे बेस्ट ओवरऑल की बात करूं मैं, लेकिन पूरा नहीं है, वो दिक्कत ही हो जाती है, तो वो है जेनिक एजुकेशन का क्रैश कोर्स, जो हमने पिछले साल लास्ट ईयर डाला था। काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल सर ने, सोहेल सर ने बिल्कुल रापचिक पढ़ाया, एकदम बिल्कुल बढ़िया से पढ़ाया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तुम्हें। बस टॉपिक्स मिसिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बड़ा कोर्स है तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ा सकते, और डेरिवेशंस मिसिंग है थोड़ी थोड़ी जगह। जैसे तुम्हारा इंडक्टेंस की कैलकुलेशन है तो उसमें इतनी ज़्यादा डेरिवेशन नहीं है, कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन उसमें डायरेक्ट सर ने समझा रखा है, और गेट में मानो मेरी बात तुमको जरूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक बार के लिए डेरिवेशन हर टॉपिक के लिए जरूरी है, ताकि तुमको उस टॉपिक की डेप्थ मिले। डेरिवेशन ऐसा लगता है लोगों को बड़ी है, भाई डेरिवेशन से उस टॉपिक की डेप्थ मिलती है कि आई कहाँ से है चीज़ें, और अगर तुमको पता होगा ना ये चीज़ आई कहाँ से है और तुमको वो चीज़ याद नहीं होगी तो चीज़ तक पहुँच सकते हो तुम। इसलिए मैं डेरिवेशन हमेशा प्रेफर करता हूँ, तुमको डेरिवेशन देखनी चाहिए, लेकिन यहाँ तुमको जेनिक में ये चीज़ें नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स है, ऑब्वियसली बात है। सेकंड है, मैंने नहीं देखे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने दो तीन वीडियो ही देखे हैं जब मेरे को जरूरत पड़ी थी लास्ट में, क्योंकि बिल्कुल लास्ट में आए थे लास्ट ईयर, के एन राव सर, तो इनने काफ़ी अच्छा ठीक ठाक समझा रखा है, लेकिन बहुत कम है, 30-20% होगा पावर सिस्टम का, लेकिन हाँ इनका स्टार्टिंग में जो थोड़ा टॉपिक है, जैसे फॉल्ट है, फॉल्ट डाल रखा है, अच्छा है, फॉल्ट देखना जरूर। और सेकंड है, इनने वो डाल रखे हैं पर यूनिट सिस्टम, तो पर यूनिट सिस्टम काफ़ी टफ पड़ता है अगर तुमको डिटेल में उसकी नॉलेज नहीं है, क्या होता है पावर सिस्टम, क्यों होता है पर यूनिट सिस्टम, कि इसके फायदे क्या हैं। और एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया है गेट में पर यूनिट सिस्टम का, बता दूंगा कभी मैं, शायद इसमें मैं डाल दूंगा, फटाफट देखना वो क्वेश्चन, अगर तुमको आता है तुमको खुद को टेस्ट करो कि वो क्वेश्चन तुमको आता है क्या, ठीक है, तो तुम्हारी स्क्रीन पर शोर होगा, अभी देख लेना क्वेश्चन। ओके हाँ, तो जेनिक हो गया और केवन राव हो गया, ठीक है। जेनिक की एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात बहुत मुझे जो अच्छी लगती है, सोहेल सर हमेशा है ना तुम्हारी एक प्रॉपर अच्छे ब्रीफ में नोट्स तैयार हो जाएंगे, और सोहेल सर समरी देते हैं हर टॉपिक के बाद, और न्यूमेरिकल्स तो दबा के खूब है वहाँ पे, न्यूमेरिकल्स में तुमको दिक्कत नहीं, वहाँ के अगर तुमने सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए तो गेट तक का तुम्हारा 80% to 90% कवर हो जाएगा। बाकी जो नॉन ट्रिवियल क्वेश्चन आते हैं उसका तो यार कुछ नहीं कर सकते, देखो अगर तुमको आ जाएंगे तो आ जाएंगे, अगर तुमको डेप्थ में नॉलेज होगी तो, मेरे को भी नहीं आते साफ सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब इसके बाद बात करते हैं जिसको, जिन लोगों को डेप्थ में पढ़ना है, तो डेप्थ में पढ़ने के लिए ऑब्वियसली बात है हर बार क्या बताता हूँ, एनपीटेल बताता हूँ मैं। मैंने पावर सिस्टम एनपीटेल से पढ़ी है कॉलेज टाइम में, बहुत मजा आया था, और इसलिए मेरी पावर सिस्टम स्ट्रॉन्ग है जो भी है। अगर मैं नॉर्मल कोचिंग से पढ़ता तो शायद इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती, मैंने बहुत ज़्यादा पेन लिया है मैंने पावर सिस्टम के अंदर, मैंने कॉलेज, मेरे को क्या पावर सिस्टम अपन को हवा डाल दिया था कॉलेज में, जब भी जाते हैं ना बहुत ज़्यादा बढ़िया 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 बढ़िया, 3-4 बुकें पढ़नी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है, पावर सिस्टम सिर्फ एक बुक की अगर तुम ओवरऑल देखो तो, बाकी जो 2-3 टॉपिक्स हैं वो अलग हैं, ऐसे तो बहुत वास्ट है कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अपने जो गेट से रिलेटेड है और जो तुम्हारे कॉलेज में काम आते होगी वो भी बहुत कंसाइज है, वो नहीं कॉलेज में काम आती है वो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे टॉपिक आ जाते हैं, जैसे स्विच गेट्स आ जाता है, तुम्हारा पावर HVDC आ जाता है, और ये सब तुम्हारे कॉलेज में इसलिए बड़ी कहते हैं वो, लेकिन गेट के लिए सिर्फ एक बुक है, सीएल बात पर उठाओ काम खत्म। अगर तुमको चाहिए तो नहीं, मैंने सीएल बात मैं बता रहा हूँ, मैंने मात्र 2% भी नहीं पढ़ी होगी वो किताब। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने, पावर सिस्टम मैंने कहाँ से पढ़ी है अभी बताता हूँ, मैंने पढ़ी है एनपीटेल से, मतलब मज़ा आ जाएगा तुम्हें, इतनी डिटेल मिलेगी ना एनपीटेल से, इतनी डिटेल और प्लस न्यूमेरिकल, तो सब तुम्हें एनपीटेल पे मिलेगा। और मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगा कोचिंग छोड़ो पावर सिस्टम के लिए, तुम जाओ एनपीटेल पे, ठीक है, नो डाउट कोचिंग बहुत बढ़िया है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन तुम अगर फर्स्ट टाइम व्यूअर हो और तुमको यार डिटेल में मजा मन कर रहा है फर्स्ट टाइम के लिए, तुम्हें 100% जिसके पास टाइम है तो उनके लिए तो मैं 100% बोलूंगा कि तुम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम तुम एनपीटेल से ही पढ़ना, बढ़िया से तुम्हें बहुत, और नोट्स भी तुम्हारे तरचिक बनेंगे ना, मेरे नोट्स बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत प्यारे नोट्स हैं मेरे, लेकिन अब वो मैं पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखे थे मैंने। तो सबसे पहले दो प्लेलिस्ट बताता हूँ मैं पावर सिस्टम पढ़ने के लिए। सबसे पहली पावर सिस्टम है AK सिन्हा सर की, A to Z समझाया है स्टार्टिंग से लेकर, तुम्हें बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे, रेजिस्टेंस कैलकुलेशन, इंडक्टेंस कैलकुलेशन, क्या होता है पावर सिस्टम, क्या क्या सिंबल्स हैं, और बिल्कुल तुम्हारा स्टेबिलिटी तक जाकर खत्म करेंगे। तो तुम्हारा पढ़ने का स्टाइल समझो थोड़ा सा, तो पढ़ने का स्टाइल क्या है, इनके हर एक सेंटेंस को तुमको लिख लेना है। कैसे पढ़ता था मैं, कैसे पढ़ता था मैं, 1.25 पे और 1.5 पे चला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो बोलते हैं AK सिन्हा सर, बहुत बहुत हद से ज़्यादा स्लो बोलते हैं, बिल्कुल मतलब क्या ही बोलूँ मैं, तो इनको तुमको 1.5 पे चला लेना है। अब तुमको पेन उठाना है और रुकना नहीं है, नहीं तो तुम बोर हो जाओगे, देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तुमको पेन उठाना है, वो जो भी बोले वो लिखूंगा लिखना है। अरे इनकी एक एक बोली हुई लाइन है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है स्टैंडर्ड बुक से आ रही है, आखिरी में तुम्हारे नोट्स लगेंगे, तुमको ऐसा लगेगा साली स्टैंडर्ड बुक लिखी है अपन ने, पता नहीं कैसे पढ़ते हैं यार, कितनी नॉलेज है, ऐसे बहुत अनशन नॉलेज है, और बोलेंगे ना तो बिल्कुल ऐसा लगेगा स्टैंडर्ड बुक बोल रही है कोई, समझ में आ रहा है। तो एक एनपीटेल से पढ़ने की यही ट्रिक है कि एनपीटेल पे जैसे ही तुम पढ़ना चालू करो टॉपिक का नाम लिखो, और वो जो मुंह से बोल रहे हैं ना, कई कई फैकल्टी नहीं मतलब मैक्सिमम 80-90%, बाकी जो 2-3% जो ज़्यादा थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें बोल देते हैं वो नहीं, लेकिन हाँ जो बिल्कुल स्पेशली AK सिन्हा सर का बता रहा हूँ मैं, कि इनका तो बिल्कुल जो जो ये मुंह से बोलते हैं ना लिख देना, बिल्कुल मैंने लिख रखा है, तो जो भी ये मुंह से बोले, तो पहली बात तो ये ऐसे पढ़ना है,
जब तुम ये लिख रहे होगे तो तुम बोर भी नहीं होगे और फटाफट तुम्हारा नोट्स भी बहुत प्रॉपर बनेंगे, बिल्कुल बहुत प्यारे बनेंगे। प्लीज़ है ना, जो भी बोले सब लिख लेना, सब कुछ, और लिख सकते हो, कोई बात नहीं। और स्पेशली इस ये प्लेलिस्ट को मैं क्यों प्रीफर करता हूँ, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स कराए हैं और वो भी बहुत ही अच्छे लेवल के, बिल्कुल स्टैंडर्ड किताब। स्टीवनसन क्वेश्चन उठा रखे, स्टीवनसन और तुम सील वादों में देखोगे ना, दोनों में न्यूमेरिकल्स बिल्कुल सेम है, पता नहीं क्यों सेम है, सर कॉपी करें आपस में शायद, ठीक है। तो इसलिए तो तुम क्या कर सकते हो, हाँ, तो इसमें न्यूमेरिकल्स सर ने बहुत अच्छे कराए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं आने वाली तुम्हें। सेकंड है तुम्हारे पास प्रोफेसर दास, प्रोफेसर डीपी दास करके हैं, मैंने इनके लेक्चर देखे हैं, काफ़ी अच्छे लेक्चर्स हैं इनका, स्पेशली बेसिक वाला पार्ट बहुत अच्छा है, इन्हें बहुत अच्छा समझाया। वैसे तो इनने भी ए टू जेड पढ़ाया है, ठीक है इनने, लेकिन दोनों ने ही प्रेजेंटेशन के फॉर्म में पढ़ाया, बस ये प्रोफेसर थोड़े बोलने में इंटरेस्टिंग है, ए के सिन्हा सर काफ़ी धीरे बोलते हैं, ठीक है। तो तुम चाहो तो ये वाला प्रेफर कर सकते हो, दोनों प्रोफेसर बिल्कुल परफेक्ट हैं, दोनों में से कोई भी प्लेलिस्ट प्रेफर करो, और मैं तो कह रहा हूँ दोनों करो। और कैसे करनी है, एक को उठाओ, एक को पढ़ो, और जब भी तुमको कोई टॉपिक समझ नहीं आए दूसरे वाले प्रोफेसर्स का, वो टॉपिक जाके देख लो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि दोनों में से एक पढ़ो, चाहो तो तुम दोनों पढ़ सकते हो, लेकिन दोनों का टाइम नहीं मिलेगा, इतना टाइम नहीं रहता है। अगर मैंने तो देखो ऑब्वियसली बात है, एक ही सिन्हा सर से पढ़ी थी, ठीक है, गलती से मैंने चालू कर दिया था, तो कर ही दिया था अगर, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा तो तुमको प्रोफेसर डीपी से पढ़ना चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छा पढ़ाया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, दोनों ने ए टू जेड पढ़ाया, ओके। फिर जब ये अगर तुम ये सब पढ़ लो, उसके बाद तुम फाइनल टचिंग देने के लिए क्या खोलो, जैनिक एजुकेशन का क्रैश कोर्स, ऐसे मक्खन समझ में आएगा ना, बिल्कुल मतलब सबको समझ में आ जाएगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब सब कुछ होने के बाद जो तुमको सबसे बड़ी दिक्कत आएगी पावर सिस्टम के अंदर, वो आएगी तुमको स्विच गेन एंड प्रोटेक्शन वाले, एक बात बता देता हूँ तुमको, सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, स्टेबिलिटी पे। स्टेबिलिटी ढंग से नहीं पढ़ते हैं और ना कहीं पे इतना ढंग से पढ़ाई गई है, ठीक है। जैनिक एजुकेशन के पेड कोर्स में काफ़ी अच्छी पढ़ाई गई है, मैंने ली है, क्रैश कोर्स में भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन क्रैश कोर्स में स्विच गेयर इतना अच्छा नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए तुमको पेन लेना पड़ेगा, सॉरी कोई मेरे पास रास्ता नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक तुम्हें नेट पे कहीं पे नहीं मिलेंगे। तुम चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं ये टॉपिक मेरा खुद का बना के अब 3-4 घंटे का जितना भी बनेगा बिल्कुल मेहनत करके अच्छे से डाल दूंगा, तो मैं पढ़ा सकता हूँ चाहूँ तो, ठीक है तुम चाहो तो। लेकिन हाँ, तुमको स्टेबिलिटी एनपीटेल में मिलेगा, दोनों में मिलेगा, बढ़िया से मिलेगा, बहुत शानदार, ठीक है ना। लेकिन तब भी तुम स्टेबिलिटी में जितना पेन ले सकते हो उतना लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको फील आएगी, क्योंकि और बहुत जगह रिलेट होगा, बहुत जगह रिलेट होगा स्टेबिलिटी, ठीक है। सेकंड बात जो मैं कर रहा था स्विच गेन प्रोटेक्शन तुम्हें इतना कुछ नहीं मिलेगा, तब भी मैं थोड़े से हिंट देता हूँ, मेनली स्विच गेन प्रोटेक्शन है क्या वो भी ध्यान रख लो ना। एक तो तुम्हारे पास सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर की रेटिंग्स कैसे डिसाइड होती है, सर्किट ब्रेकर के ये नहीं पढ़ना है SF6 और ये वगैरह वगैरह, ये कहीं नहीं आते हैं तुमको, और तुमको आइडिया भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर्किट ब्रेकर में न्यूमेरिकल्स आते हैं, रेटिंग्स गिवन होंगी और उसमें उसके वो पूछोंगे क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट वोल्टेजेस और रिकवरी वोल्टेजेस वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो वो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक पार्ट तो ये हुआ, दूसरा पार्ट है रिले। रिले में तुमको सब कुछ पढ़ना है, रिले की बेसिक डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिले, ठीक है, डिस्टेंस रिले, उसके बाद तुम्हारी डिफरेंशियल रिले और ये सब। मेन क्या है, डिफरेंशियल रिले और तुम्हारा मर्ज प्राइस डिफरेंस, परसेंटेज प्रोटेक्शन रिले, बेसिकली मर्ज प्राइस रिले, दोनों, ठीक है, दोनों ही काम के हैं। और तुम्हारा वो सर्किट ब्रेकर से CTPT से क्वेश्चन आता है ना, ये CT लगा रखा और ये सब, तो ये तुम्हारा बहुत मेन है। तो इनके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको बहुत मेन फोकस करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, पहली बात तो जेनिक में ठीक ठाक पढ़ाया गया है, न्यूमेरिकल्स ओके कराए हैं, ठीक है। और सेकंड है क्रिटिक्स, क्रिटिक्स के अंदर तुमको डिफरेंशियल रिले दोनों पढ़ाई हैं, तो प्लीज़ इसमें तुमको थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा। और इसमें मैं तुमको बोलता हूँ कि टेलीग्राम पे जाओ और हैंड रिटन नोट्स लेके आओ मेडिजी के, उसमें बिल्कुल डिटेल में खूब दबा के पढ़ाया, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे। तो इसमें तुमको प्रोटेक्शन में थोड़ा पेन लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ऑनलाइन कुछ ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तुम चाहते हो तो मैं बनाकर डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद एक टॉपिक और रह गया जो तुम्हें ढंग से पढ़ना है, बिल्कुल बहुत तमीज से पढ़ना है, फॉल्ट एनालिसिस यूजिंग ZBUS। ये टॉपिक अंकित गोयल सर ने डाल रखा है, वहां से देख सकते हो, लेकिन यार उनका थोड़ा सा है ना, तुमने थोड़ा बिल्कुल रटाने वे में कराया है। तो ये टॉपिक भी अगर तुम्हें नहीं मिलता है कहीं पर तो मुझे बोल देना, ये टॉपिक मेरा बहुत अच्छा है और कुछ नहीं है, आधे घंटे का टॉपिक है, अगर तुम्हें बाकी सब कुछ आता है तो, ठीक है, तो ये टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा अगर तुम्हारा मन करे तो। सॉरी गाइस, बीच में डिस्टर्ब करने के लिए, ये वाला वीडियो यार थोड़ा बड़ा हो रहा था, तो इतना बड़ा वीडियो डालेंगे कि सेंस नहीं है, बोर हो जाओगे तुम लोग, ठीक है। तो मैंने इसको वीडियो को यहीं पे दो पार्ट में तोड़ दिया है, तो नेक्स्ट वाला वीडियो जो है वो थोड़े 20-30 घंटे में तुम्हारे पास आ जाएगा, दोनों वीडियो शूट हो गए हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो एडिट हो जाएगा मैं नेक्स्ट वाला अपलोड कर दूंगा, शेड्यूल अपलोड। तो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय।